टू माई चैनल किड्स फन बाय आराध्या। आज मैं आपको वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों हमारे पास VN ऐप है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। आप देख सकते हो VN ऐप, यहाँ पे हमने VN ऐप को इस पर क्लिक किया। तो जैसे ही VN ऐप खुलेगी तो इसमें आप एडिटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वीडियो को एडिट करने के, दिखाई दे रहे हैं डिफ़ॉल्ट और इम्पोर्टेड। तो आप इम्पोर्ट पर जाइएगा, उसके बाद फिर प्लस का जो प्लस ये इंटरफेस खुल के आया है तो प्लस पे आप क्लिक करेंगे। नीचे प्लस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए वीडियो है आपकी, जो भी आप वीडियो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर ली और फिर नीचे ये एरो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, इस पर ओके करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है प्रिपेयर होने में। ये देखिए ये वीडियो जैसे आएगी तो यहाँ से आप इसको चला के देखेंगे। तो अब सपोज करिए आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, इसमें से कुछ पार्ट है जो आपको अच्छा नहीं लगा, वो आप कट करना चाहते हैं, तो नीचे बिल्कुल ठीक इस लाइन के नीचे आपको स्प्लिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नीचे हमारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं इसके सभी आपको यूज़ बताऊँगा कि इसका क्या यूज़ होता है। तो स्प्लिट से क्या करते हैं, हम स्प्लिट पर ओके करते ही जैसे आपको यहाँ से स्टार्टिंग से और यहाँ तक ये इतना पार्ट ये कट करना है, तो स्प्लिट पर जाइए, स्प्लिट पर जाइए, देखिए ये पार्ट अलग हो गया। अभी आपको कट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर चार पांच ऑप्शन आ गए हैं। एक ऑप्शन डिलीट का है, डिलीट पे जाके आप इसको हटा सकते हैं, ये हट गया। तो वीडियो में जैसे आप काफ़ी लंबी वीडियो बना लेते हैं उसमें से बीच में से कुछ पार्ट आप हटाना चाहते हैं तो इस तरह से आप स्प्लिट करके उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इसी वीडियो में कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस के साइन पर प्लस पर आप क्लिक करेंगे और इधर आपके जो सबसे लेफ्ट में जो ऑप्शन है वीडियो फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो है दूसरी कोई भी वीडियो यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो दूसरी वीडियो आप ले लेते हैं। जैसे हमने ये वीडियो ले ली, फिर जो है ब्लू पे क्लिक किया तो ये देखिए ये वीडियो आ गई, इसको आप चला के देखेंगे क्लियर। अब ये दोनों वीडियो जो है ना प्लस हो जाती है, मर्ज हो जाती है। इसी तरह से आप छोटी छोटी कितनी भी सारी वीडियो अगर आप ऐड करना चाहें एक साथ तो आप इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। दोबारा से फिर से प्लस पर करिए क्लिक और इस तरह से, तो ये तरीका होता है। ये फिर वीडियो में जाएंगे तो खैर आप यहाँ पे कितनी भी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ। अगर इफ़ यू वांट टू ऐड म्यूजिक इन योर वीडियो तो इसके सबसे ऊपर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है टैप टू ऐड म्यूजिक, यहाँ पे जाएंगे आप। इसमें आपके पास थ्री ऑप्शंस आते हैं, म्यूजिक, इफेक्ट और रिकॉर्ड। अगर आप कोई सॉन्ग डाउनलोड किया है आपने और वो लेना चाहते हैं तो आप म्यूजिक पे जाएंगे। म्यूजिक पे जाने के बाद आपको कोई म्यूजिक है आपके पास तो जैसे मैं माय म्यूजिक में जाऊंगा, म्यूजिक लाइब्रेरी, माय म्यूजिक, ये देखिए ये ऑप्शंस आ जाते हैं। सपोज़ करिए आप कोई सा भी यहाँ से सॉन्ग लेना चाहते हैं कोई भी, जैसे मैंने ये ले लिया होली के नाम से जो है, तो यूज़ पे जाइएगा आप, यूज़ पे क्लिक किया। अब यूज़ पे क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पर आता है आपको आपकी वीडियो कितनी लेंथी है, आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज़ करिए कि आपकी वीडियो 20 सेकंड्स की है और जो सॉन्ग है वो 35 सेकंड्स का है, तो उसमें से आप अगर कहाँ से वो सॉन्ग स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा अगर कट करना चाहें जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, या फिर अगर आप स्टार्टिंग में कट नहीं करना चाहते लास्ट में से कुछ चीज़ हटाना चाहते हैं तो लास्ट में से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करके फिर आप नीचे ये नीचे राइट का जो ऑप्शन आ रहा है तो राइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए ये ऐड हो गया है, ठीक है। अब आप इसको ये कह रहा है वॉल्यूम, ये देखिए हमने ये ओके कर दिया है। तो अब आप क्या करेंगे इसको चला कर देख लीजिए तो ये ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी सॉन्ग या फिर कोई भी आप चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं टैप टू म्यूजिक पे ही जाएंगे और इसके अलावा इसमें तीन ऑप्शन है ना, तो दो ऑप्शन और अभी बाकी हैं। जैसे रिकॉर्ड का ऑप्शन है, आप कोई अपनी कोई बात अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके इसमें लगाना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड पर जाएंगे। रिकॉर्ड पे जाने के बाद आपको इस जो रेड बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करते ही आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप कुछ भी आप उसमें ऐड करना चाहें अपनी अपना वॉइस में तो वो कर सकते हैं। जैसे आपकी वॉइस लेस वीडियो है और उस वॉइस लेस वीडियो में आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई वॉइस अपनी लगाना चाहते हैं तो आप रेड बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए 3 सेकेंड्स का टाइम देता है आपको सेट होने में, ये ऐड हो गई। अब चलिए इसको मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए फिर आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आपको जो पहले इसमें जो वॉइस थी अगर वो आपको बंद करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप
जो पहली वॉइस को बंद करना है तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होता है वॉल्यूम का, ये रहा। आपकी जो रिकॉर्डिंग है वॉइस की वो ऐड होने स्टार्ट हो गई है, अब इसमें आपकी जो वॉइस है वो ऐड हो जाएगी। पहली दोबारा से आप इसको बंद करने के लिए और यहाँ पे आप टिक राइट कर दीजिए। अब देखो यहाँ से अब आप फिर आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है।